हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ पंचमुखी हनुमान जी को। वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके पहले अगर मैंने ड्रॉइंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें बताया था कि पंचमुखी हनुमान जी का आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं हनुमान जी के फेस में कलर करने वाला हूँ। उस ड्रॉइंग को ड्रॉ करने के लिए या कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ डोम्स के 25 शेड्स के ऑयल पेस्टल्स का। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, इस वीडियो को एंटर जब से एक ना सोट सी। ओके, सबसे पहले हम लोग मुकुट से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। मुकुट में कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ येलो कलर का। मुकुट में जितने भी डार्क एरियाज है उन सबको ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ येलो, डीप येलो और ब्राउन कलर का। ओके, सर मुकुट को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉटन बर्ड का। बट ब्लेंड करने से पहले आपको थोड़ा सा कलर कॉटन बर्ड में अप्लाई कर लेना है। डिस आप जब भी इसका करके ब्लेंड करोगे तो जो कलर है काफ़ी इजीली ब्लेंड हो पाएगा, बिल्कुल ही फेड नहीं होगा। मुकुट को ब्लेंड करने के बाद अब जितने भी एक्स्ट्रा डार्क एरियाज है उन सबको कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्राउन एंड ऑरेंज कलर का। ओके, सर मुकुट में जितने भी हाइलाइटेड एरियाज है उन सबको ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कटर का। आप लोग चाहो तो आप लोग किसी और शार्प थिंग का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको फोटोग्राफ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जितने भी हाइलाइटेड एरियाज है उनको काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करते जाना है। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से आराम से एक एक एरिया को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर हाइलाइटेड एरियाज को ड्रॉ करना है। ओके, सर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर पेंसिल का मुकुट में जितनी भी डार्क एरियाज है उन सबको ड्रॉ करने के लिए। और आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर ब्राउन कलर पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सर फेस में जितने भी डार्क एरियाज है जैसे आईज, नोज, आईब्रोज उन सबको ड्रॉ करने के लिए मैं पर ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। बस आपने फोटोग्राफ को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी कलर फोटोग्राफ में है आपको वही सेम कलर को ड्राइंग में पुट करते जाना है। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पिंक, ब्राउन, येलो, डीप येलो कलर एंड ऑरेंज कलर का। ओके, सर पूरे फेस में कलर अप्लाई करने के बाद आपको व्हाइट कलर अप्लाई कर देना है। डिस आप जब भी इसको कॉटन बर्ड का यूज़ करके ब्लेंड करोगे तो जो कलर है काफ़ी इजीली और बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो पाएगा। और फेस में ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पर मैं कॉटन बर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। बट ब्लेंड करने से पहले आपको थोड़ा सा कलर कॉटन बर्ड में अप्लाई कर लेना है जिससे जब भी इसे ब्लेंड करोगे तो जो कलर है काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो पाएगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले डार्क एरियाज को सबसे पहले ब्लेंड करना है, देन उसके बाद आपको किसी और ईयरबर्ड का यूज़ करके जितने भी लाइट एरियाज है उन सबको ब्लेंड करना है। फेस में जितने भी रिमेनिंग डार्क एरियाज है या हाइलाइटेड एरियाज है उन सबको कलर करने के लिए मैं पर व्हाइट, ब्राउन एंड पिंक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सर मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर पेंसिल को। और यूज़ करने से पहले आपको अपनी ब्लैक कलर पेंसिल को काफ़ी अच्छे शार्प कर लेना होगा एक लॉन्ग पॉइंट शार्पनर का यूज़ करके, क्योंकि अब जितने भी डार्क एरियाज है उन सबको हमको ड्रॉ करना है, जैसे आईज, नोज, आईब्रोज, लिप्स और जितने भी एक्स्ट्रा डिटेल्ड एरियाज है उन सबको ही हमको ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी ब्लैक कलर पेंसिल को बारी बारी शार्प करते रहना होगा जिससे आप काफ़ी अच्छे से स्मॉल एरियाज और डिटेल्ड एरियाज को बिल्कुल ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। फेस में कलर करने के लिए मैं पर ऑरेंज और ब्राउन कलर पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ।
ओके सब, तिलक को ड्रॉ करने के लिए मैं पर रेड और ऑरेंज कलर का यूज कर रहा हूँ। बियर्ड्स में जितने भी डार्क एरियाज है उन सबको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ब्राउन कलर को पूरे बियर्ड में काफ़ी अच्छे से फैला देना है। देन उसके बाद आपको यूज़ करना है येलो एंड ऑरेंज कलर का बियर्ड में जितने भी लाइट एरियाज है उन सबको ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए। बियर्ड को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं कॉटन एयरबड का ही यूज़ कर रहा हूँ। बट ब्लेंड करने से पहले आपको थोड़ा बहुत डार्क ब्राउन कलर का यूज़ कर लेना है कॉटन एयरबड के ऊपर, जिससे जब भी इसका उसके ब्लेंड करोगे तो जो कलर है काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो पाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान जरूर से रखना है कि आपको ब्लेंड फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग हेयर्स के डायरेक्शन में ही करना है, जैसा फोटोग्राफ में है। बियर्ड में जितने भी डार्क एरियाज है उन सबको ड्रॉ करने के लिए, कलर करने के लिए मैं पर ब्लैक ऑयल पेस्टल का यूज कर रहा हूँ। ओके सब, बियर्ड्स में जितने भी रिमेनिंग हाइलाइटेड हेयर्स है या हाइलाइटेड एरियाज है उन सबको हाइलाइट करने के लिए, हाइलाइट ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर कटर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके सब, आप हनुमान जी का फेस ड्रॉ हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।